हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब के अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम सब जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल मुझे जाना है आली। तो उशीत की मम्मी बोल रही थी कि बच्चों के कपड़े वगैरह लेके आ जा, तो मेरी तो मम्मी ने पहले ही सूट वगैरह लेके रख लिए थे। तो यहाँ हम बच्चों के कपड़े वगैरह ले रहे हैं, मम्मी मैं और भाभी आए हैं ऑटो से, क्योंकि कोई घर पर था नहीं लाने के लिए। तो यहाँ हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हम कपड़े वगैरह खरीद के ला चुके हैं। और वहाँ मम्मी मंगा रही है गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी लग रही थी और प्यास लग रही थी, तो इसलिए मम्मी जूस लेके आएगी। हम जूस पी के फिर घर जाएंगे। बाकी हमारी शॉपिंग हो चुकी है, थोड़ी सी करनी थी, ज़्यादा नहीं। मिलते हैं आपसे घर। आज पूजा भी और एमपी भी आ जाएंगी, उनसे भी मिलवाएंगे आपको, और फिर हम कल अपने घर चले जाएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? आप तो मैंने कभी यस हाँ देख चुड़ैल है। तो जैसे कि मैंने आपको, देखो अब रोशनी हो गई इनके घर में, मैं अपनी सी कल बाद में दिखाऊंगी। तो ये इनका फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, नीचे भी काम इसे बंद कर दो भाभी व्लॉग। तो ये यहाँ से मम्मी का गार्डन दिखता है, ये बैक साइड है, यहाँ पे नीचे की साइड है, वो नीचे वाला फ्लोर है, उसका भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये भाभी का रूम है जो अभी बना है, नीचे भी काम चल ही रहा है, यहाँ पे सफाई में लग रही है। ये इनका बाथरूम है, जिसमें इनका वार्डरोब जो बोलते हैं वो बन रहा है, इधर इनका मिरर लग रहा है, और ये इनका वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। तो मैं बहुत बुरी हो रही, बाल बाल उड़ रहे मेरे ऊपर आसमान में। ये इनका बाथरूम है, ये मैं हूँ। तो हमारा आली वाला हमारा फ्लोर अच्छा बन जाएगा। तो ये इनका टीवी का है, शाम दीदी कर आत बजा रही हूँ, शाम को जाऊंगी अभी, ठीक है चलना आगे। तो मैं चीज तो दिखा दो, तो ये इनका ड्राइंग रूम है सिंपल सा, और ये मेरे भाई है, मम्मी पापा की फोटो लग रही है। ये हार्दिक का रूम है, जो अभी देखो सोए पड़े हैं दोनों के दोनों, कैसे सो रहे पर ना। और ये अगर पता टाइम कितना हो रहा है, टाइम दिखाते हो कितना हो रहा है, जो भी सो रहे हैं एक बजने वाले हैं, और जिसमें ये भी सो ही रहे हैं। हाँ चीज दिखाना कैसी लाई हो, निकाल के दिखाना, मेरे फिंगर में पहनाना, काले हाथ लग रहे यार, इतनी सुंदर है ये रिंग। और ये रिंग है, बहुत ही प्यारी रिंग है ये, और ये गोल्ड की है, प्योर उसमें क्या बोलते हैं जो वो रहता है, हॉलमार्क में है। और ये इयररिंग्स हैं डायमंड के, छोटे छोटे से। और तो ये बने हैं शिवम ज्वेलर्स पर, जो भाभी के जीजू हैं, उनकी उनकी क्या कहते हैं चांदनी चौक में शॉप है होलसेल की। तो अगर आपको भी कभी भी डायमंड ज्वेलरी चाहिए, ए वन ज्वेलरी मिलती है वहाँ पे, आप कभी भी जाओ और उनकी शॉप पे जाना, उनका एड्रेस यहाँ पे है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस बॉक्स पे इनका प्रॉपर एड्रेस है, तो आप इस एड्रेस को लेके चांदनी चौक में जा सकते हैं। अभी तो हमने छोटी छोटी चीज़ें दिखाई है, अदरवाइज़ इनके गोल्ड का सेट वगैरह बहुत ही सुंदर लेटेस्ट डिज़ाइन में होते हैं, और होलसेल के रेट पे ये गोल्ड देते हैं, और बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन लेटेस्ट पे मिलते हैं। अगर आप कभी जाओ तो चांदनी चौक में आप जा सकते हो और ये ज्वेलरी ले सकते हो। आपसे थोड़ी देर में नीचे, अभी आपको दिखा दिया मैंने रूम, इनका घर,
बहुत अच्छा है, तो नीचे का भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा। अभी कम्प्लीट वहाँ पे काम चल रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी वर्क चल रहा है नीचे। खाना खाया तूने? खाना खाया है? हाँ नाव तो है, पहले खुले तीन कल आया है ना वो, अब सही लग रहे हैं। कहाँ से लिए? तो हम जा रहे हैं ऊपर भाभी के फ्लोर में, पूजा के फ्लोर में, नीचे पे वीडियो बनाएंगे, दिखाते हैं उन्हें भी क्या कर रही है। जो गेनी क्या हुआ? मैं और मालती अभी ऊपर आए थे, तो भाभी और मम्मी भाई को याद कर रही थी जिन भाई की डेथ हो गई है। तो ये कभी, मतलब ये चीज़ तो देखो कभी हो ही नहीं सकती कि हम अपने भाई को और मम्मी अपने बेटे को और भाभी अपने हस्बैंड को भूल जाए। वो याद आती है, कोई मन में रो लेता है, कोई सामने रो लेता है, पर याद ज़रूर आती है। तो भाई को गए हुए 9-10 महीने हो गए हैं, पर आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में हो। और मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी इस चीज़ को लेके। अब हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ज़िंदगी यही है, बस काटनी है जैसे तैसे, हंस के बोल। भाभी का मुँह तुम लग रही काली, देखो ना, देखा ना वहाँ का थंबनेल, कैप्चर देखा ना व्लॉग का अभी पहले का, या मैं और भी कह रही भाभी इतनी तो यहाँ पे भाभी दिखा रही है जो अपने मायके से सूट वगैरह लेके आई थी वो। तो भाभी को ज़्यादातर लाइट कलर ही पसंद है, तो मुझे ये जो ग्रीन से कलर का सूट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसका दुपट्टा बहुत सुंदर था और वाइट वाला भी अच्छा था। अब यहाँ मम्मी निला रही है खाना जी। बैठे हुए दिख रहे होंगे, तो हमारा अचानक से रोहित मेरा भाई बोलने लगा कि खोली बाबा पे चलते हैं। हम जेट में भी गए नहीं थे और अभी भी हमारा काफी दिन से प्लान बन रहा था, तो हो नहीं पा रहा था खोली बाबा पे जाने का। तो अचानक से हम सबका बन गया है खोली बाबा जाने का, तो हम सब खोली बाबा जा रहे हैं, मेरा भाई कार्तिक और हम सब। तो मेरा प्लान था आज अपने ससुराल जाने का, बट मैंने इनसे भी मना कर दिया है, अगर हम जल्दी आ गए तो आ जाएंगे, नहीं तो कल सुबह निकलेंगे हम अपने घर के लिए, है ना मेरा। नहीं अभी। और मेरा गुस्सा हो रही है कि मुझे आज ही अपने घर जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है ना एमपी।
क्या कहते हैं ये ड्राइविंग मूव करके आया था कार्तिक और एमपी आगे, और आज मैं अंदर जाके व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा व्लॉग के चक्कर में अपनी दर्शन अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आज बाबा के अच्छे से दर्शन करूंगी उसके बाद ही व्लॉग शूट करूंगी। हाँ हाँ, पहले वाले व्लॉग में हमने खोली बाबा के और आपको भी दर्शन करा देते हैं बाबा के, वो है बाबा विशाल मेरे तो अभी दीदी मारा चली पर रात के टाइम आई है गाइस और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी सी नहीं लग रही है और बढ़िया है ना बहुत। मेरा कैसे लग रहा है मौसम? लग गई मैं चोट, जब तक तो कह रही थी अच्छा नहीं है। ऊपर आरती हो रही है गाइस इस टाइम शाम के कितने बजे? 7:30 बजे आरती हो रही है ऊपर की मंदिर की। यस मेरा तो बहुत अच्छा दर्शन हो गए हैं हमारे मम बाबा के। हाँ पे नीचे की मेरा हाथ टूट गया वाली बैठे बुलाने के लिए मम्मी तो सही पड़ी है।